नहीं, ग्रीन्स पे आप कुछ ट्रेड करेंगे आज कपिल? कल एक बड़ा ब्लॉक ने हाथ बदला हुआ है, कतर इन्वेस्टमेंट्स आए हैं अंदर। जी अदानी ग्रीन के फिलहाल तो काफी एक सुर्खियों में रहा हुआ है कि अब स्टेक सेल है या फिर कतार इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो शुरुआती तो स्तर पे हमने देखा था 12% का एक डिक्लाइन मोमेंटम था, लेकिन इंट्राडे में काफी हद तक उसने रिकवर किया एंड एट देन 5% का अराउंड उसने क्लोज किया हुआ था। लेकिन ट्रेड के परस्पेक्टिव से अभी भी मुझे इस पे चार्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि इसका जो हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो काफी सपाट रहा हुआ है और एक आध 2 दिन की उसकी मोमेंटम आती है और उसके बाद में स्टॉक प्राइस रिट्रेस काफी कर चुका है। तो इस स्टॉक पे टेक्निकली इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जहां पे हम ट्रेड इनिशिएट कर पाए। पर अच्छी मूव्स थी। ये स्टॉक कुछ दिन पहले, इनफैक्ट शरद हमारे खास सेगमेंट क्या खबर है, मैं बता के भी गए थे कि यहाँ पर ब्लॉक डील 500 करोड़ की लग सकती है और प्रमोटर एंटिटी अपना सेल कर सकती है स्टेक इस पर। इनफैक्ट 5% डिस्काउंट पर हो सकती है ये डील आयोनेक्स एनर्जी पर। आज इस पर कैसा एक रिएक्शन आ सकता है वैशाली? वैशाली एक बार आयोनेक्स मिंट के चार्ट चेक करके बताएं, पीछे बहुत चला भी है ये स्टॉक, क्या ये थोड़ा प्रेशर आ सकता है? डेफिनेटली। सो एक्चुअली ये स्टॉक मैं जैसे देख रही हूँ जो थोड़ा एग्जॉस्टन दिख रहा है एंड स्टॉक वाइज ये कंसोलिडेशन पे है। सो आई थिंक 200 शुड होल्ड एज अ मेजर सपोर्ट। अगर 200 लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं टूवर्ड्स 190 to 195। सो RSI भी मैं देख रही हूँ थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। सो आई वुड से दैट 200 इज द लेवल टू वॉच। अगर ये लेवल टूटता है तो एक बार एग्जिट कर सकते। कल उनके प्रमोटर ने 15 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे, तो आप इसको फिर अपने रेडार पे रखिएगा। पैसा लो डिजिटल का चार्ट लेके आइए, डेज हाई पे बंद हुआ कपिल, 6 महीने में एकदम रॉकेट हो गया स्टॉक। अभी रिस्की है, दूर रहें या ट्रेड बन सकता है? जी पैसा लोग के जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, मंथली चार्ट देख रहा हूँ, वहां पे इसने क्लासिकल एक बेयर ट्रैप की पैटर्न बनाई हुई है, क्योंकि काफी टाइम पहले ना इसने एक सपोर्ट लेके होल्ड करा था जो काफी महीनों तक टिका हुआ था, तो जो कि 57 के अराउंड को हुआ करता था। लेकिन काफी बार एक बिहेवियर फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना, तो स्टॉक प्राइस का जो सपोर्ट लेवल होता है, जो जब भी सपोर्ट लेवल आपका निकल जाता है तो एक बेरिशनेस क्रिएट करता है, लेकिन वो बेरिशनेस आपकी बहुत ज्यादातर टाइम नहीं चलती है। और नेक्स्ट बेस जो इसका सपोर्ट लेवल था 48 के यहाँ पे, वहां पे स्टॉक ने 4 महीने का बेस बनाया हुआ है और इस महीने के जो 10 दिन हमें देखने मिले हुए हैं तो वहां पे एक अच्छी से एक ब्रेकआउट देखने मिली हुई है। तो ये बैर ट्रैप का एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन होता है और वहां से स्टॉक अभी रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है, तो हायर टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सेंस यहाँ पे बन रहा है। और लोअर टाइम फ्रेम पे नो डाउट ये स्टॉक अभी काफी पिछले 8-10 दिनों में बहुत ही अच्छी मोमेंटम कर चुका है, बट अभी भी मोमेंटम इसकी ऑन ही है। एंड जो इसके 68.95 69 के लेवल पे अभी चल रहा है, तो जो इसके 3 से 4 दिन के पहले का एक छोटा सा बेस था 64 के अराउंड का, तो वहां पे इसका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर उसको होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट दिया हुआ है एंड ऑन द हायर टाइम फ्रेम ऑन द हायर साइड उसके जो इमीडिएट रिएक्शन हमें देखने मिलते हैं वो कहां कहां पे 76 के लेवल के देखने मिलते हैं। तो 69 पे भी चल रहा है, 64 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 75-76 की इसकी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पैसा लो डिजिटल की। कुछ और स्टॉक्स जो अभी हमें अश्वेशा भी बता के गई, जहां ब्लॉक्स लगे उसमें सा एक स्टॉक था गति, जहां पर परंजु वेलेंट ने उन्होंने लगभग 8.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और साथ ही शिवालिक बायोमेटल में भी स्टॉक जिन ने यहां पर बाइंग की है। दोनों स्टॉक्स में आज कैसा मोमेंटम आ सकता है? इनफैक्ट बुफा सिक्योरिटीज ने भी 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। गति और शिवालिक बायोमेटल, इन दोनों स्टॉक्स के एक बार चार्ट चेक करके बताएं संतोष। यस, पहले गति की बात करें तो गति में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। अभी पुल बैक आया, स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर इमीडिएटली मुझे लग रहा है 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहाँ जाके स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन 160 क्रॉस करता है तो और मोमेंटम बढ़ते दिखेगा, सो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक आपने कहा शिवालिक बायोरस, ठीक, स्टॉक का नाम रिपीट करें, शिवालिक बायोमेटल, राइट राइट ओके। सो इस स्टॉक में भी एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो ये 540 से 535 के सपोर्ट को होल्ड करने में कामयाब होता है तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन आया है ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 489। ऊपर में अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 680 पहला टारगेट रहेगा, 680 क्रॉस करता है तो 725 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये तो बात हुई दो स्टॉक्स की जहां पर अच्छी मूव्स थी।